जोशी एंड टूड न्यू दैट इज लैंड्राफ्ट काफी दिनों से आई जस्ट वॉन्टेड अंडरस्टैंड लैंड ग्राफ्ट सो लाइक वी आर वी आर स्टार्टिंग दिस लैंड ग्राफ्ट थिंग आज हम एक बहुत ही सिंपल सा चैट बॉर्ड बनाएंगे यूजिंग लैंड ग्राफ्ट एंड विच वी विम इवेंचुअली इम्प्रूव टाइम एंड विद जो भी हम नया सीखते जाएंगे उसके साथ तो लैंड ग्राफ्ट है क्या लैंड ग्राफिक लो लेवल फ्रेमवर्क है ठीक है क्यों आवश्यकता पड़ी हमें लैंग की बिकॉज़ प्रीवियसली बेसिकली लैंग इज डेवलप्ड बाय लैंग चेन एंड लैंग चेन में एक में हम डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ्स बना सकते बना सकते थे मीन्स इट इज नॉट पॉसिबल इन लैंग चेन कि आप एक नोट uh, से दूसरे नोट पर जाएं एंड कमिंग बैक टू द सेम नोट इसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास लैंग है आप इसमें

Uh, इसका भी हम कोशिश करेंगे कि कुछ uh, यूज करके चैटबॉट में इस्तेमाल करें ह्यूमन इन द लूप क्या करता है आपको कि एक uh, एक बिफोर या इंटरप्ट आफ्टर कोई नोड के एग्जीक्यूशन के बिफोर या बाद में इंटरप्ट लगाने देता है मीन्स कि आप एक स्पेशल तरह का एजेंट बना सकते हैं वो एजेंट आपका एक इंसान भी हो सकता है और एक वो एलएलएम खुद भी हो सकता है जो क्या करेगा जो डिसाइड करेगा किसी नोट के एग्जीक्यूशन से पहले आप चाहेंगे तो या बाद में आप चाहेंगे तो कि नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है फॉर एग्जाम्पल एल कॉल करना है या फिर कमांड uh, टर्मिनेट करना है या फिर कुछ और करना है या कोई टूल इस्तेमाल करना है सो so, ये सारी चीज़ें जो मैंने बोली आ, जो लोग नए हैं उनके लिए काफ़ी भारी हो सकती है मेरे लिए भी थी तो कोई बात नहीं हम साथ, -साथ में सीख रहे होंगे ग्रेट स्ट्रीमिंग सपोर्ट स्ट्रीमिंग सपोर्ट का मतलब ये है कि हर एक नोड अपना आउटपुट शो कर सकती है आपको यू कैन गेट द आउटपुट ऑफ ईच नोड इंटीग्रेशन विद लग चेन ऑफकॉर्स लैंग चेन ने बनाया है तो आप लैंग को लैंग चेन के साथ, साथ इस्तेमाल कर सकते हो बट इसका मतलब ये नहीं है कि लैंग चेन uh, uh, से ही कनेक्ट करके आप लैंग सीख सकते हो नो लैंग्राफ्ट इज इंडिपेंडेंट लैंगच चेन के बिना भी आप लैंग्राफ्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं ओके okay. सो so, आज हम बनाने के वाले हैं वी आर गोइंग टू बिल्ड अ सिंपल अट ठीक है इसके लिए आपको किसकी आवश्यकता होगी किसी भी एल की हम यहाँ पर ओपन ए इस्तेमाल कर रहे होंगे तो आपको ओपन ए की ए आप क्लाउड यूज कर सकते हो और जो भी तरह के एल एल एम उसमें से किसी की भी API आपके पास होनी चाहिए चाहिए आपको पता होना चाहिए, उनके मॉडल का नाम क्या है ओके okay. uh, तो आज हम बनाएंगे क्या एक सिंपल सा चार्टोड की यूजर इनपुट देगा एंड वो आउटपुट हमें शो कर रहा होगा वेरी सिंपल अ सिंपल एलएलएम कॉल करते कैसे हैं समझते हैं एक Uh, हम सबसे पहले किसी भी चार्ट की ना स्टेट uh, डिसाइड करते हैं स्टेट क्या होती है कि क्या वो uh, वो उसका रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर किस तरह का होगा और किस तरीके का रिस्पॉन्स वो हमें दे रहा होगा तो हम स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं कि ओके आपके पास एक की है मैसेज एंड आप वैल्यूज में हमें एक हम लिस्ट मेंटेन कर सकते हैं स्टेट uh, हम बेसिकली स्टेट मेंटेन करते हैं पूरे के पूरे uh, चार्ट बॉट की या एक पूरे बॉट की और ये काम कैसे करता है एक बिल्कुल ग्राफ की तरह काम करता है जैसे ग्राफ में नोट्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल दिस इज नोड वन दैट इज कनेक्टेड टू नोड टू और ये नोड एंड हो रही होगी और एक स्टार्टिंग नोड भी होगी तो इस तरीके से ग्राफ काम कर रहा है आप चाहो तो नोड टू को कनेक्ट कर सकते हो नोड वन के साथ भी तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें काम कर रही होती हैं हम सारी चीज़ें एक साथ देखेंगे ठीक है हम करने क्या वाले हैं बिल्ड करते हैं स्टार्ट करते हैं तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आ, इंपोर्ट कर रहा हूँ मैं एक काम करता हूँ अपने सुपर में विन को डिसबल कर देता हूँ ताकि हम खुद से टाइप कर सकें कुछ हम टाइपिंग मॉड्यूल में से इंपोर्ट कर रहे होंगे एनोटेटेड को व्हाट दस इट मीन एनोटेटेड हमारा क्या करता है मेटोडेटा कंटेन uh, करता है टाइप्स के बारे में ठीक है uh, अगर आपने थोड़ा भी टाइप स्क्रट पर काम किया तो यू नो अबाउट टाइप्स या किसी भी लैंग्वेज में टाइप्स पर काम किया है तो यू नो अबाउट टाइप्स तो उनके रिगार्डिंग मेटा डेटा को कलेक्ट करने के काम आता है ठीक है और हाँ एक टाइपिंग एक्सटेंशन नाम के मॉड्यूल में से हम पाइथन uh, में डिक्शनरीज uh, की uh, के लिए टाइप डिक को भी इंपोर्ट कर रहे होंगे एंड हम अब इंपोर्ट करेंगे अपने हीरो को डाटा लैंड ग्राफ ल्राफ में से ग्राफ को इंपोर्ट कर लेंगे इसमें हमें क्या क्या मिल रहा होगा हमें चाहिए स्टेट ग्राफ बात करेंगे टू क्रिएट द स्टेट बेसिकली टू क्रिएट द ग्राफ विद डिफाइंड स्टेट जो भी हम बना रहे होंगे ठीक है uh, एक हमें स्टेट ग्राफ चाहिए एंड हमें साथ में क्या चाहिए Start and I think, <laughs> enable करना ही ठीक है मेरे हिसाब से है ना इट विल डिक्रीज लेंथ ऑफ द वीडियो एज वेल और हम साथ में क्या कर रहे होंगे लैंड ग्राफ में मैसेज को भी इम्पोर्ट कर रहे होंगे एट मैसेजेस बिल्कुल सही ठीक है कोई परेशानी वाली बात नहीं है यहाँ पे एंड साथ ही में हम लैंग चेन ओपनिया का इस्तेमाल कर रहे होंगे और हमने ये इम्पोर्ट कर लिया दैट्स इट अब हम एक स्टेट डिफाइन करेंगे जो कि एक क्लास होती है ऑफ कोर्स जो कि uh, एक क्लास होगी और जो स्टेट क्या होगी हमारी मैसेजेस हम हमें इसमें लिस्ट डिफाइन कर रहे होंगे और हम कहेंगे हर बार जब भी नया मैसेज आए तो उसे ऐड करना नो नीड टू लाइक दिस पर्टिकुलर ऐड मैसेज फंक्शन वॉट इट डज इज आई डोंट नो मेरे वी एस कोड में क्या इशू है कि ये इम्पोर्टेड नहीं दिखा रहा है अच्छे से ओके दिस no uh, पर्टिकुलर function मैसेज फंक्शन does इट कि आप जो भी लिस्ट uh, दिस, कर रहे हैं उसमें ये नए मैसेज को अपेंड करता है ओवरराइट नहीं करता है अपेंड करता है अब हमें किसका इस्तेमाल करना है हमें हमारे स्टेट ग्राफ का इस्तेमाल करना है स्टेट ग्राफ करता क्या है इट बिल्ड्स द ग्राफ बेसिकली इनिशियलाइजेस द स्टेट ग्राफ ठीक है जो भी हमने स्टेट uh, बनाई है ये स्टेट हमने जो प्रिपेयर करी है उससे स्टेट ग्राफ को हमें इनिशलाइज करना पड़ता है ये ट्रेडिशनल आ, एक फॉर्मेट है ठीक है ये याद नहीं करना है आप कोई भी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे लॉन्ग ग्राफ की मैं तो कहूँगा जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वो पढ़ें समझ में आता है वहाँ से ओके तो हम ग्राफ बिल्डर नाम रख सकते हैं और स्टेट ग्राफ हमने इनिशलाइज कर दिया दैट्स इट नाउ अब हमें अपने एल एल एम को इनिशलाइज करना पड़ेगा तो हम यहाँ पे कमेंट डाल देते हैं दैट वी आर इनिशलाइज एल एल एम और हम यहाँ पे एल एल इस्तेमाल कर रहे हैं चार्ट ओपन ई तो उसने कहा है कि भाई साहब आपकी ये ओपन ई की है मैंने कहा अच्छी बात है कि आपने हमारी ओपन ई की दिखाई नहीं तो मैंने क्या किया है ओपन ई के लिए एक सिंपल सी चीज़ मैंने अपनी ओपन ई की को इस तरीके से आ, उस ए पी आई की डॉट पी वाई में स्टोर कर लिया है उसके अंदर कुछ नहीं एक वेरिएबल है इक्वल्स टू का साइन और एक डबल कोर्स में आ, जो भी मेरी ए की है तो मैं अब उसको यहाँ पर लिख दूँगा तो मेरा LLM initialize हो चुका है। नाउ अब हमें एक फंक्शन बनाना है जो कि क्या करेगा हर बार इन्वोक करेगा हमारे मॉडल को ठीक है और उससे रिस्पॉन्स हमें ला कर देगा वो फंक्शन क्या करेगा हम आ, क्या करने वाले हैं उसे स्टेट प्रोवाइड करेंगे करंट स्टेट ऑफ द ऑफ द ग्राफ और हम और वो क्या करेगा उस स्टेट में से मैसेज को पास ऑन करेगा एल को और एल क्या करेगा उस स्टेट से कॉन्टेक्सट लेकर उस सवाल का उस मैसेज का रिस्पॉन्स हमें ला कर देगा क्या आपको ये समझ में आया मैंने क्या बोला कि हम इस फंक्शन में करने के वाले हम स्टेट प्रोवाइड करेंगे उस स्टेट में हमारा अपेंडेड न्यू मैसेज होगा ठीक है उस मैसेज को एल को हम इन्वोक करेंगे पास इन करेंगे एल क्या करेगा उस स्टेट से अपना कॉन्टेक्सट लेगा क्योंकि अभी तक ये ये बातें हुई हैं एंड Uh, बातें हुई है का कॉन्टेक्स नहीं लेता है आई एम सॉरी वो कॉन्टेक्स नहीं लेगा स्टेट uh, लेगा ठीक है एंड देन उस लास्ट मैसेज को uh, का रिस्पॉन्स करेगा ऑन द बेसिस उसके पास जितनी भी नॉलेज है अच्छा तो फिर अगर वो प्रीवियस कॉन्वर्सेशंस का नॉलेज नहीं लेता है तो हम कैसे इम्प्लीमेंट uh, कर सकते हैं उसे आई लेट यू नो मैं आपको ये इस ट्यूटोरियल में नहीं नेक्स्ट ट्यूटोरियल नेक्स्ट ट्यूटोरियल हम बना सकते हैं सिंपल चार्ट बॉट विथ मेमोरी ओके दैट इज़ ग्रेट Uh, तो हम क्या कर सकते हैं हम डिफाइन करने वाले एक चार्टॉट फंक्शन जो कि हमारा क्या करेगा इनवोक द मॉडल एंड गेट द रिस्पॉन्स राइट तो हम सिंपल ही करने वाले हम क्या करने वाले अपने एल को इनवोक करेंगे uh, हमारी स्टेट में जो मैसेजेस हैं उसके साथ एंड वो हमें एक मैसेज ला देगा जिसे हम डिक्शनरी के रूप में रिटर्न uh, uh, करवा रहे हैं नाउ as as अब हमें क्या करना है हमें हमारे ग्राफ को बिल्ड करना है बेसिकली तो हमारे ग्राफ में होने क्या वाला है एक नोड होगी जिसका नाम चार्ट होगा जो हमारी मेन नोड है अभी के लिए और एक और हमें बेसिकली uh, ये जो स्टार्ट और एंड है ना ये भी नोड्स हैं दीज आर द नोड्स तो स्टार्ट नोड और एंड नोड तो हमें क्या करना है हमें अपने ग्राफ को इस तरीके से बिल्ड करना है कि स्टार्ट शुड भी कनेक्टेड टू द नोड एंड और नोड कुछ भी हो सकता है नोड आपका एक फंक्शन हो सकता है एक टूल हो सकता है ये पढ़ेंगे हम ठीक है नोट अभी के लिए हम ले सकते हैं कि ये फंक्शन हमारा जो ये पूरा फंक्शन है ना ये एक नोट है हमें बस बनाना पड़ता है बताना पड़ता है कि ग्राफ बिल्डर को इसको हम बताएंगे कि ये हमारी नोट है लेकिन आपका नोट एक फंक्शन भी हो सकता है ओके okay. तो हम क्या करने वाले हैं अपने इस स्टार्ट नोड को कनेक्ट करेंगे इस चार्टॉट नोड के साथ और चार्टॉर्ड नोड को कनेक्ट करेंगे एंड के साथ ताकि टर्मिनेट हो सके ओके okay. सो so, अभी हमें क्या करना है uh, हमें ग्राफ बिल्डर में ऐड करनी है चार्टॉर्ड नोड को तो हमने ऐड कर दिया है कोई दिक्कत नहीं है अब हमें एजेस कनेक्ट करनी है तो हम कहेंगे ग्राफ बिल्डर डॉट एड एज में हमने स्टार्ट नोड को चार्ट बॉर्ड के साथ एज uh, हमने क्रिएट कर दिया है और हम चार्टॉर्ड को एंड के साथ कनेक्ट कर देंगे as अब इसके बाद हमें क्या करना है अपने ग्राफ को प्रिपेयर करना है तो हम ग्राफ बिल्डर पे कंपाइल कॉल कर देंगे ठीक है और अब हमें आ, सारा काम करना है इनपुट आउटपुट का ठीक है नथिंग न्यू हेयर लाइक ये तो आप सिंपल सी सी प्लस प्लस वाले भी कर सकते हैं कि जब तक समा चीज ट्रू है तब तक यूजर ओ नाइस यूजर इनपुट लेते रहे हम यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं और अगर यूजर ने आ, क्या किया? Quit, या टाइप किया है तो हमें ब्रेक uh, कर देना है मीन्स हम इस वाइल से बाहर आ जाए और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं हम स्ट्रीम करवा रहे हैं ठीक है वी रेड अबाउट द स्ट्रीम फीचर ऑफ द लैंग्राफ्ट जो डॉक्यूमेंटेशन uh, मैंने स्टार्टिंग में खोली थी तो यहाँ वही हो रहा है कि यूजर के इनपुट पर हम स्ट्रीम करा रहे हैं पूरे ग्राफ को वो हमें इवेंट ला कर दे रहा है उस इवेंट वैल्यूज को हम आइट्रेट कर रहे हैं और उसमें से हम लास्ट पाइथन में माइनस वन का मतलब होता है लास्ट लास्ट इंडेक्स ठीक है अगर एक एरे है उसमें छ एलिमेंट्स हैं तो आपको अगर लास्ट लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आप माइनस वन लिखता हैं तो हम माइनस वन का कंटेंट रिटर्न कर रहे हैं जो कि हमारा मैसेज होने वाला है तो ये अभी तक का हमारा सिंपल सा चार्टॉट है जिसमें हम इनपुट देंगे एंड हमें आउटपुट मिलेगा लेट्स कि हम कुछ बना भी पाए या नहीं जिसमें हमने लाइन ग्राफ के ग्राफ्स का इस्तेमाल किया हमने क्या किया

हमें जब हम बहुत बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे तब ग्राफ बहुत कॉम्प्लेक्स होगा एक नोट बी से बी सी से सी डी से डी बी से वापस इस तरीके से होगा देन के हम सब याद रखेंगे और कॉन्टेक्ट कैसे जनरेट करेंगे तो हमें एक विजुअल डायग्राम uh, चाहिए होगा वो डायग्राम क्रिएट करने के लिए कुछ हम आंस हैं तो प्लीज फिगर दैट आउट दिस इज योर होमवर्क एंड लेट मी नो कि अगर आप फिगर आउट कर पाते हैं तो तो यूजर uh, कह रहा है लाइक like, इसे क्या कहते हैं हाई वॉट इज द कैपिटल ऑफ new york the capital of new york is albany okay uh hi like uh here i'm testing something my name is <coughs> deepak joshi okay so it says hello deepak joshi nice to meet you how can i assist you so what is my name <coughs> yeah uh it loses the context each time when i run the new चार्ट uh, तो इसके लिए हम आई थिंक दैट इज कॉल्ड कॉन्टेक्सट आई डी और समथिंग आई डोंट एक्चुअली रिमेंबर असिस्टेंट आई डी एक्सेस आई डी फिगर दैट आउट ओके होता क्या है उसमें सिंपल सी बात है मैं आपको बताता हूँ हम अपने लैंड ग्राफ के यहाँ पे हुआ क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आई कि मैंने उसे बताया कि मेरा नाम दीपक जोशी है उसने पहचाना भी ओके okay. ले, लेकिन अगली बार जब मैंने उससे पूछा मेरा नाम क्या है तो वो भूल गया कि मेरा नाम क्या था ठीक है तो ये एक प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम अगर आपने कभी नॉर्मल भी ओपन ए कॉल की है तो आपको हुई होगी तो लैंड ग्राफ इसको बहुत इजीली रिजॉल्व कर लेता है वो आपको एक एक्सेस आईडी प्रोवाइड करता है आई थिंक कि वही नाम है नहीं होगा तो विल फिगर दैट आउट ठीक है इट्स बीन वेरी लाइक इट्स बीन वेरी लॉन्ग कि मैंने ये रिवाइज किया हो ओके okay. तो वो आई क्या करती है आपके आपकी चार्ट्स को कनेक्ट कर देती है एल के साथ मीन्स अब जब भी आप उस आई के साथ कॉल करेंगे एल एल को तो वो कॉन्टेक्स्ट रहेगा उसके पास तो मीन्स जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा आपके पास और जब मैं ये सेम क्वेश्चंस उससे पूछूंगा और आखिरी बार उससे पूछूंगा व्हाट इज माय नेम तो वो बताएगा कि हे योर नेम इज़ दीपक जोशी ओके सो हमें एक छोटी सी प्रॉब्लम पता चली हमने हमें एक छोटा सा होमवर्क मिला दो चीज़ें हमें मिल चुकी हैं और वीडियो भी ज्यादा लंबा नहीं हुआ है आई थिंक यहाँ तक चीजें क्लियर हुई हैं तो अगर मैं क्यों दबाता हूँ या एग्जिट लिखता हूँ तो ये एग्जिट हो जाएगा सिंपल गुड बाय 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 टेक केयर तो आई होप ये चीज समझ में आई है और हम देखेंगे देन मिलते हैं किसी और लेक्चर में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर